नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा के जगाधरी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के स्टार प्रचारक में उन्होंने शिरकत यहां पर की। इस दौरान जो है सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। भगवान राम के मंदिर को इसने तोड़ा था जो कि हम फटे थे। हम फटे थे इसलिए फटे थे। फटना नहीं है, एकजुट होकर के देश के बारे में फैसला लेना है। कांग्रेस ने आजादी के 60-65 वर्षों तक शासन करने के बाद देश को समस्या की आतंकवाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, उग्रवाद की समस्या है, भ्रष्टाचार की हो, जातिवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, भाषावाद का हो या परिवारवाद का हो, जितनी भी समस्याएं दी हैं ये कांग्रेस ने दी है। जो कांग्रेस समस्या दे रही हो देश को, भाइयों जब देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बन रहा है और इसके लिए उन्हें हमें कांग्रेस को जो समस्या का नाम है इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी कार्यक्रमों का उनकी नीतियों का आपने देखा होगा, कैसे वहां सब भारत के अंदर बैठे हैं। यूपी में आएंगे तो हरियाणा की बुराई करेंगे, केरल में जाएंगे तो यूपी की बुराई करेंगे और भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की बुराई करेंगे। भारत के 40 करोड़ की आबादी उन्हें नहीं खाई देती। जब देश संकट में होता है तो इन्हें इटली में मानी जा जाती है, तब भारत याद भी जाता है। और इसमें कहना भाइयों, जो संकट में आपका साथी है वो आपका सच्चा साथी नहीं। एक तरफ समस्या देने वाली कांग्रेस और दूसरी तरफ समाधान देने वाली बीजेपी। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद की जो समस्या थी कश्मीर की, धारा 370 समय के लिए समाप्त कर दिया और हरियाणा के किसानों ने तो देश की सीमा लेकर के लगातार देश की सीमा की सुरक्षा की है। सुदृढ़ दीवार के रूप में खड़े होकर के अपना बलिदान देकर के देश की सीमा के साथ दुश्मन को किवाड़ करने की कोई छूट नहीं थी। ये हरियाणा जैसा अपना गौरवशाली बात हो, वहां के नौजवान के साथ को समझना होगा कि कांग्रेस की बनाने वाली शांतिवादी रणनीति ये देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। मोदी जी का आवाज 14 में आने के बाद एक ही कारण करेगा। अब हमारा जिला प्रशासन ने पत्रकारों ने पूछा कि देश के विकास की यात्रा हो रही क्या है, उन्होंने कहा एक संक्रमण का सबका साथ और सबका विकास था। मेरा भाइयों, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने के दिन पहले विभाजन भी हुआ, एक दिन पहले विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान में आजादी कई कम, लेकिन क्षेत्रफल में आजादा पहला मिला था। पाकिस्तान को ज्यादा उन्नति करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आज पाकिस्तान लेकर एक जून रोटी के लिए लोग सफोला लेकर के भी ध्यान के लिए जो है
भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फिर से राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान जीवन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। भारत 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम कर रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में रोजगार योजना का कनेक्शन दिया जा रहा है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बना रहा है। ये नया भारत है। हाईवे भी है, रेलवे भी है, मेट्रो भी है, IIT भी है, IIT भी है, NIT भी है, एम्स भी बन रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। हर घर मन की योजना में आपके घर का शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए। तो सोमयोगी को सुन रहे थे आप। वहीं हरियाणा के रादौर में भी बीजेपी ने चुनावी जनसभा की है। यहां भी सीएम योगी ने पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित किया। आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। लगाव एक क्षेत्र है और आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकार आने के बाद जो परिवर्तन वहां पे देखने को मिला होगा। बैनर भाइयों, पहला परिवर्तन था जिसकी ओर आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री श्याम सिंह राणा जी ने ध्यान आकर्षित किया कि अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गए। प्रभु राम की अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने के मार्ग में कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा थी। 1947 से लेकर के 2014 तक लगभग 60-65 वर्षों तक कांग्रेस को देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर पाई। आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे पाई। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना उसके लिए लगता था जैसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया हो, और इसीलिए तो राम मंदिर के मार्ग में बाधा बनती रही। याद करिए 14 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में है। जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में 2 वर्ष में करके दिखा दिया। बहनों भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, आज आप देश के अंदर देखते होंगे कांग्रेस समस्या का नाम है, चाहे वह राम मंदिर की समस्या रही हो, चाहे वह मथुरा की समस्या हो, चाहे वह आतंकवाद की समस्या हो, चाहे वह नक्सलवाद की समस्या हो, देश के अंदर जातिवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, अराजकता और नक्सलवाद के नाम पर जितने भी भेदभाव है ये सब कांग्रेस की देन है। देश को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सारे वाद पैदा किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समाधान का नाम है। जिस समाधान में आपका वर्तमान सुरक्षित हो और भविष्य उज्ज्वलमय हो। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर के अंदर था चुनाव प्रचार में। परसों जब मैं जम्मू पहुंचा तो वहां बारिश हो रही थी। हेलीकॉप्टर ने कहा कि अभी जा नहीं पाएंगे, कुछ वेट करना पड़ेगा।
मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। पहले मेरा वहां तक जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं जब अंदर जाना था तो एक घटना घटित हुई। मैं तो चला था, सुरक्षाकर्मी मेरे साथ थे, तो एक सज्जन आवाज लगा रहा था, उसने कहा साहब राम राम। मैंने क्योंकि मेरा कोई परिचित भी नहीं था तो मैं चुपचाप निकाला जा रहा था। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। तो मैं देखा, मैंने कहा भी कौन बोल रहा है, तो मैंने देखा कि एक मौलवी बोल रहा था। मुझे एहसास हो गया। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए एक हफ्ते का समय अब बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां राज्य के अलग अलग जिलों में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। देश जब गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं ने जो हमारी आजादी को कैद करके रख दिया था, तब तो माना जा सकता था कि मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था, विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या है ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुछ चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का हल है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है। समाधान बहनों और भाइयों, मैं कल और परसों दो दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो
वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम मुझे लग गया। बहन और भाइयों मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग 3 खानदानों से त्रस्त हैं, इन्होंने सिर्फ लोगों को तबाही दी है। कि ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। साथियों, पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। और साथियों, मैं विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है।
और ये तो हम मंदिरों की नगरी है, इस मौके को छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी हर पीड़ा को दूर करेगी। जम्मू के साथ दशकों से जो भी भेदभाव हुआ है उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी। भाइयों और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं, और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।